मुंबई से सटे ठाणे में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ के खिलाफ बड़ा मामला सामने आया है। अश्वजीत गायकवाड़ पर अपनी गर्लफ्रेंड को पीटने और कार से कुचलकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अश्वजीत गायकवाड़ का पहले उसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्साए युवक ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को पीटा। जब इतने से उसका मन नहीं भरा तो उसने युवती को कार से कुचल दिया। इस काम में उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद की। ये आरोप है युवती प्रिया सिंह का, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कर खुद घटना की जानकारी दी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उनके शरीर पर गहरे जख्म के निशान हैं। उसके पैर की हड्डी टूट गई है, जिस पर प्लास्टर किया गया है। युवती के मुताबिक सड़क पर एक अनजान शख्स ने उसे मदद की और अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक मुंबई में रह रही 26 साल की प्रिया सिंह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। प्रिया सिंह महाराष्ट्र के MSRDC के MD के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ के साथ रिश्ते में थी। प्रिया का आरोप है कि अश्वजीत पहले से शादीशुदा था, उसने ये बात मुझसे छिपाई थी। उसने पहले मुझे कभी इनसिक्योर फील नहीं कराया। वो मुझसे कहता था कि शादी तुमसे ही करूंगा, मैं सेपरेट हूँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि अश्वजीत शादी शुदा था और उसने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड से छिपाई थी। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को प्रिया सिंह ने बॉयफ्रेंड अश्वजीत को पत्नी के साथ देख लिया था। इसके बाद एक होटल के बाहर पीड़िता और आरोपी के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। हालांकि युवती ने आरोप लगाया है कि मामला एक IAS अधिकारी के बेटे से जुड़ा है, इसलिए पुलिस अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।